दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि गीता के समस्त अध्यायों में उनके शरीर के समस्त अंग हैं, जिसकी सेवा लक्ष्मी जी दिन रात करती हैं, और किस कारणवश अदालत में गीता की शपथ दिलाई जाती है। दोस्तों, गीता के एक से लेकर पांचवें अध्याय तक मेरे पांच मुखों का वर्णन है। अध्याय 6 से लेकर अध्याय 15 तक मेरी 10 भुजाओं का वर्णन है। 16वें अध्याय में मेरा उदर अर्थात मेरी पीठ समाहित है, जहां सुधा शांत होती है, और अंतिम के दो अध्याय 17वें और 18वें अध्याय में मेरे दोनों चरण कमल का वर्णन है। अपने स्वामी के मुख से गीता के बारे में ऐसी बात सुनकर माता लक्ष्मी उलझन में पड़ गईं। उनका मुख संशय से भर गया। ये देख भगवान श्रीहरि समझ गए कि देवी लक्ष्मी को मेरी बातें पूरी तरह से समझ में नहीं आई हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि देवी, जो भी मनुष्य गीता के एक अध्याय का श्लोक प्रतिदिन पढ़ता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये सुन माता लक्ष्मी बोली कि हे स्वामी, आपकी ये बातें मुझे और भी उलझाती जा रही हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए इसे सरल भावों से कहने की कृपा करिए। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि देवी, अब मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसके बाद आपकी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। भगवान विष्णु आगे बोले कि हे देवी, किसी काल में सुषमा नाम का एक घोर पापी मनुष्य हुआ करता था। वो हमेशा भोग विलास में ही लगा रहता था। एक दिन सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसकी आत्मा को यमदूत नर्क लोक ले गए, जहां उसने सैकड़ों सालों तक कई तरह की यातनाएं झेली। फिर उसका जन्म बैल की योनि में हुआ। बैल की योनि में वो अपने मालिक की खूब सेवा किया करता था, परंतु उसे भोजन कम मिलता और उसे परिश्रम ज्यादा करना पड़ता था, जिसकी वजह से कुछ सालों बाद वो एक दिन मूर्छित होकर गिर गया और फिर कभी उठा ही नहीं। बैल को मूर्छित होते हुए देख वहां बहुत से लोग जमा हो गए और बैल की आत्मा को शांति के लिए अपने हिस्से की पुण्य उसे दान करने लगे। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी और लोगों को बैल के लिए पुण्य दान करता हुआ देख वो भी बोल उठी कि हे भगवान, मेरे हिस्से में जो भी पुण्य है, मैं इस बैल को वो दान करती हूं। फिर कुछ समय बाद जब बैल की आत्मा का पुण्यों का लेखा जोखा होने लगा, लेकिन लेखा जोखा करते वक्त यमलोक में जब सभी को पता चला कि इस बैल के हिस्से में सबसे अधिक हिस्सा एक वैश्या का है, तो हर किसी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। और फिर वैश्या के पुण्य के कारण बैल की आत्मा को उसी समय नर्क लोक से मुक्ति मिल गई। इतना ही नहीं, वैश्या के पुण्य फलों के कारण बैल की आत्मा को उसी समय मनुष्य योनि में जन्म देकर पृथ्वी लोक पर भेजने का निर्णय लिया गया। फिर उसके पुण्य को देखते हुए विधाता ने उसे मृत्यु लोक में जाने से उसकी इच्छा पूछी। तब बैल की आत्मा ने कहा कि हे ईश्वर, आप मुझे मनुष्य रूप में मृत्यु लोक में भेज रहे हैं, ये तो मेरा भाग्य है, किंतु ये भी सच है कि मनुष्य ही मृत्यु लोक में सबसे ज्यादा पाप कर्म करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे मृत्यु लोक में जाने के बाद भी मुझे अपने पूर्व जन्म की बात याद रहे। बैल रूपी आत्मा की बात यमराज ने मान ली और उसे मनुष्य रूप में मृत्यु लोक में भेज दिया। अब पृथ्वी लोक पर जन्म लेने के बाद उसने सबसे पहले उस वैश्या को खोजना शुरू किया, जिसके पुण्य की वजह से उसे मनुष्य योनि में जन्म मिला था। फिर एक दिन उसने उस वैश्या को खोज लिया। उसने वैश्या को सारी बातें बताई और सवाल किया कि हे देवी, वैसे तो समाज की नजर में आपके कर्म को नीच माना जाता है, परंतु आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे मुझे पूर्व जन्म में किए गए पापों से मुक्ति मिली? तब वैश्या ने पिंजरे में बंद अपने तोते की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये तोता नित्य प्रातः काल कुछ पढ़ता है, जिसे सुनकर मेरा मन पवित्र हो जाता है, और यही पुण्य मैंने तुम्हें दान किया था। वैश्या की बातें सुनकर सुषेमा हैरान हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि जिस स्त्री ने मुझे अपना सबसे कीमती पुण्य दान दे दिया, उसे पता ही नहीं कि वो पुण्य कितना प्रभावी है। फिर कुछ क्षण प्रणाम किया और पूछा कि हे शाक,
आप ऐसा क्या पढ़ते हैं जो इतना पुण्य फलदायी है? तब तोते ने कहा कि हे युवक, मैं पूर्व जन्म में विद्वान होने के बाद भी अहंकारी हुआ करता था और सभी से ईर्ष्या भी करता था। इतना ही नहीं, बात बात पर विद्वानों को अपमानित भी किया करता था। फिर जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मेरे इन सब कर्मों के कारण तोते की योनि में जन्म मिला, लेकिन मेरे जन्म लेते ही मेरे माता पिता मर गए। लेकिन भय से उसी समय कुछ ऋषि मुनि वहां से गुजर रहे थे, मुझे अपने साथ उठाकर आश्रम ले आए और मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया। आश्रम में ऋषि गढ़ अपने शिष्यों को गीता का पाठ पढ़ाया करते थे, जिसे सुनकर मैंने गीता का प्रथम अध्याय याद कर लिया, परंतु अन्य अध्याय सीख पाता उससे पहले ही एक बेहलिये ने मुझे चुरा कर इस देवी को बेच दिया और मैं प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का श्लोक इस देवी को सुनाता रहता हूं। वही पुण्य इन्होंने आपको दान किया। जिसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कैसे जो मनुष्य गीता का प्रथम अध्याय पढ़ता व सुनता है उसे भव्य सागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। और दोस्तों, जैसा कि आपने ऊपर देखा कि गीता के सभी अध्यायों में भगवान विष्णु के सभी अंग समाहित हैं, और ऐसे में जो भी मनुष्य गीता को स्पर्श करता है, इसका अर्थ हुआ कि वो नारायण के सभी अंगों का स्पर्श कर रहा है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि गीता को स्पर्श कर कोई बात बोलता है तो वो सत्य ही बोलेगा, और यही कारण है कि अदालत में गीता की शपथ दिलाई जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।